जय हिंद, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। और बच्चों, आज अपने कर रहे हैं PT 05 का पेपर 2। पेपर आपने अभी दिया होगा। पेपर के लेवल की बात करें तो टफ नहीं था, पेपर इजी ही था। मतलब इजीली बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो आप कर सकते थे। कुछ सवाल तो एक दो रहते ही हैं जो कैलकुलेटिव रहते हैं, वो आपको स्किप कर देने चाहिए थे। आसान सवाल ढूंढ के आपको रगड़ देने चाहिए थे। सबसे पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल हमारे पास में है कि एक यूरेनियम है 92-238 ऐसे कुछ, और ये जा रहा है आपके पास में पीबी में, Pb 82-206, कंसिस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा डीके। ओके, और इसने बोला एक आपके पास में बीटा पॉजिटिव पार्टिकल भी है। ठीक, तो कुछ अल्फा पार्टिकल होंगे, हीलियम 2-4 कितने हैं वो भी देखेंगे बाद में, और एक बीटा पॉजिटिव है आपके पास में। ठीक है, तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल का काउंट कितना होगा वो भी बताना है। इसका काउंट तो फिक्स है, इसका कितना काउंट है वो हमें बताना है। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। पहली बात तो मास नंबर तो यही बैलेंस करेगा ना, तो यहाँ पे अगर आप मास में देखते 32 का डिफरेंस आ गया तो ये 8 होना पड़ेगा, बिकॉज मास नंबर तो यहीं से बैलेंस हो सकता है, इनके पास तो मास नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे 32 आएगा तब जाके ये, तो 8 तो ये बन गए। अब आपको यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 92 है, यहाँ पे 82 है, तो यहाँ पे 16 हो गया, ये 16 हो गया, पर इनका सम मिला के 10 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना गया +1 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में -7 आएगा। भाई आपको पता है कि मास नंबर तो बैलेंस कर दिया, अब मास नंबर बैलेंस हो गया, अब एटॉमिक नंबर ही बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 92 है, तो यहाँ पे 92 होना चाहिए, यहाँ पे तो 82 है, इससे आ गया 16, इससे +1, इसका काउंट फिक्स है, तो ये कितने हो ताकि ये वाला काउंट वापस 92 बन जाए। 92 बनने के लिए टोटल 10 होना चाहिए, तो 16 था, 17 हो गया, अगर ये -7 होगा तो बात बन जाएगी। तो इसे कितने पार्टिकल होंगे, 7 पार्टिकल होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम में चलते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में बोल रहा है आपके पास में कि एक प्योर कॉपर का सैंपल है आपके पास 56, ये जिंक में जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये इसका 7/8, जैसे इसके कुछ एन नोट थे इनिशियली टी इज इक्वल टू 0, तो किसी जनरल टाइम टी पे इसकी वैल्यू कितनी बन गई, 7 n0/8 बन गई, तो यहाँ पे कितने बच्चे होंगे, n0/8 भाई, इसमें एन नोट थे, 7 n0/8 यहाँ पे टीके हो गए, यहाँ पे n0/8 बचे हुए होंगे। तो अब आपसे बोला गया हाफ लाइफ कितनी है, तो यार देखिए एन नोट से n0/2 होने में एक हाफ लाइफ रहेगी, n0/4 होने में दूसरी हाफ लाइफ रहेगी, और n0/8 होने में तीसरी हाफ लाइफ रहेगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 times of t half, 3 times of t half, ये टाइम कितना है आपके पास, 15 मिनट, 15 मिनट, तो यहाँ पे टी हाफ कितना आ गया आपके पास, टी हाफ आ गया 5 मिनट। समझ में आ गई बात, तो 5 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये तो पूछा है। 13th प्रॉब्लम अगर आप देखें, सॉरी 3rd प्रॉब्लम अगर आप देखें, तो बोला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है आपको, एक रिएक्शन है ऐसे, और एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है आपके पास में हीलियम 2-4 में। अब आपको गिवन है कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है दैट इज 1.1, यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 1.1, तो टोटल कितनी हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी, मल्टीप्लाई 4 कर दो, क्योंकि एक न्यूक्लियन की 1.1 है, टोटल 4 न्यूक्लियंस है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी 7, तो ये कितना हो जाएगा 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपसे क्या पूछ रहा है, क्यू वैल्यू पूछ रहा है, तो क्यू वैल्यू क्या होगा, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एक्सप्रेशन होता है, तो प्रोडक्ट की है 28 और ये वैल्यू है 4.4, तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आपके पास में, दिस इज 4.4 ना, दिस इज बिकम 23.6, ये एक्जैक्टली बता दिया मैंने 23.6। अब आपसे पूछ रहा है क्यू बाय 4 कितना होगा, तो क्यू बाय 4 अगर आप 23/6 डिवाइड बाय 4, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 6, तो 6 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं फोर्थ प्रॉब्लम के ऊपर। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, द ग्राफ बनाना है आपको आर बाय आर नॉट वर्सेस ए का। ठीक है जी, आर आपके पास में रेडियस है, ए एक मास नंबर है आपके पास में, और स्लोप इसका एम गिवन है। देखिए एक्सप्रेशन का आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियर का फॉर्मूला होता है आपके पास। अब आप करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा एल एन आर बाय आर नोट, एल एन ए ले लीजिए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/3 एल एन ए, सही है, इसको यहाँ पे लेंगे फिर एल एन ले लिया, तो ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। अब आपको क्या चाहिए था, इसका स्लोप चाहिए था, आपको इसका स्लोप चाहिए इस कर्व का, तो इसका अगर आप स्लोप देखेंगे स्लोप आ गया 1/3, स्लोप कितना है बच्चों आपके पास 1/3। अब क्या करना है, स्लोप में 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आप एम मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा आपके पास 2। तो ये चारों सवाल आपके पास में आसान थे, बहुत इजीली आप इनको कर सकते थे। ठीक है, बच्चों फिफ्थ प्रॉब्लम है आपके पास में, इसमें बोल रहे हैं न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे एक न्यूट्रॉन है वो आ रहा है किस स्पीड से, 10
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ठीक है। अब ये कुछ इसमें कोलाइड होकर फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है, तो उसे बोले तो अल्फा पार्टिकल है वो तो जा रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसकी वजह से कुछ वी वन होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो बेरिलियम को इस तरफ जाना पड़ेगा, गोलिनियम मोमेंटम कंजर्व रखना है, तो इसका मास हम कुछ एम मान लेते हैं ना, ये तो एम मास होगा। अल्फा पार्टिकल का कितना होगा आपके पास में, 4m होगा, सही। और बेरिलियम का अगर आप देखें दैट विल बी 9m। अब इस 9m को एक तो इधर जाना पड़ेगा मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, और वर्टिकल डायरेक्शन का इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो उसे बैलेंस आउट करने के लिए इधर भी जाना पड़ेगा, दैट इज v3 से। समझ आ रहा है? तो देखिए इनिशियली ये मूवमेंट था नेट, मतलब मोमेंटम तो कंजर्व रहना चाहिए, तो इनिशियल मोमेंटम इनिशियली मोमेंटम सेक्शन में कुछ था, तो अब बोला गया अल्फा पार्टिकल ऊपर चला गया, तो 9m को इधर जाना पड़ेगा ताकि ये मोमेंटम बैलेंस कर सके, और अगर ये ऊपर चला गया तो इसके सेक्शन में मोमेंटम आ गया, अब इसको भी काटने के नीचे जाना पड़ेगा बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कुछ भी नहीं था। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखिए अब आपसे ये पूछ रहे फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो ये जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि देखिए टोटल एनर्जी ऐसा कुछ था आपके पास से, पहले हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं, तो आप लिखेंगे पीस अंडर रूट 2m के लिखा जा सकता है, 2m के लीनियर मोमेंटम को, ये इनिशियल था इज इक्वल टू, यहां पे आएगा आपके पास अंडर रूट 2m, इसको नाम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं ना, इसको k2 लिख दिया, इसको k3 लिख दिया, इसको कुछ k1 लिख दिया, 2m k2, सही। तब इसमें के टू जो आ रहा है दैट इज अंडर रूट 20/9, ये काइनेटिक एनर्जी मिल गया, ठीक है। फिर आप देखिए कि 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आया था, और आपको बोला गया जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी वो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, मतलब 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको चाहिए एनर्जी इस रिएक्शन को मतलब इनिशिएट करने के लिए, तो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इंटरनल एनर्जी यूज होगी आपके पास में, तो टोटल एनर्जी बची कितनी आपके पास, दैट इज 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप क्या लिखेंगे, दैट इज के टू प्लस के थ्री प्लस के वन प्लस के वन, ये किसके बराबर होना चाहिए आपके पास, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे सही है। अब आप के थ्री और के वन में रिलेशन निकाल लीजिए, कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 2 4 एम के वन इज इक्वल टू अंडर रूट 2 9 एम के थ्री, सही। ये यहां पे उड़ गया, ये यहां पे उड़ गया आपके पास, तो यहां से जो आपके पास में रेशियो आ रहा है दैट इज के टू बाय के वन का जो रेशियो आया दैट इज 4/9, दिस इज 4/9। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए भाई साहब K1 की वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ पे K2 की वैल्यू पुट की, दैट इज सही, प्लस K3 की वैल्यू कितनी है, K3 नहीं चाहिए तो K3 को आप लिख दीजिए, ये K3 था, दिस इज K3, K2 निकाल दिया, दिस इज K3, तो K3 को K1 के फॉर्म में लिखिए तो कितना बनेगा, 4/9 के वन, 4/9 के वन प्लस के वन इज इक्वल टू 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आइए थोड़ा सा प्रोसीड करके हम के वन की वैल्यू निकालते हैं, तो कुछ के वन ऐसा बन रहा है, के वन इज इक्वल टू 9 और 4 13 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 2 डिवाइड बाय 9, ऐसा कुछ बन गया, तो के वन की वैल्यू आपके पास में इट इज 4 20/9 डिवाइड बाय 13/9, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए, सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपके पास में 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आती है, ठीक है। तो अच्छा सवाल था, लीनियर मोमेंटम कंजर्व वगैरह करना आपको आना चाहिए, तब तो आप इसको कर पाएंगे, छाप लीजिए। हम 6 प्रॉब्लम देख रहे हैं, आपको बोला गया कि द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए बीइंग प्रोड्यूस्ड एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा, यहाँ पे ऐसे एक न्यूक्लियाई है ए, इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है किस रेट अल्फा से, ठीक है, और इस अल्फा की वैल्यू भी गिवन है 2λN0, ठीक है, और ये खुद डीके भी हो रहा है आपके पास किस रेट से, लैम्डा से ये डीके भी हो रहा है आपके पास, मतलब इस रेट से तो फॉर्म हो रहा है, मतलब इस रेट से फॉर्म हो रहा है, लैम्डा इसका डीके कांस्टेंट है आपके पास। आपसे बोला गया नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट न्यूक्लियाई ए आफ्टर 1/2 life कितना होगा। अब देखिए आप एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, dNA/dt क्या होगा, फॉर्म किस रेट से हो रहा है, फॉर्म पर 2λN0 और डीके किस से होगा, लैम्डा एन, ये तो क्या इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास में, पर ये एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे डिपेंड करेगा, जिसके डीके होने का रेट है वो तो लैम्डा एन होगा, फॉर्मेशन होने का रेट है दैट इज डी 2λN0। अब आप हमें ये चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कब एट टी हाफ,
अगर आप एट टी हाफ पे अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो हमें नहीं पता, पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, डीएनए आपके पास में आ गया 2 लैम्डा n0 -λNa, क्लियर, इज इक्वल टू dt आ गया आपके पास। ये लैम्डा लैम्डा उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करें, इस बार एक्सप्रेशन को कुछ एक बार एक्स मान ले, तो एक्स कितना आ गया 2n0 -Na, डीएक्स अगर आप देखेंगे तो कितना आ गया -dNa। तो आप इसको लिख दीजिए, ये वाला एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ये आपके पास, इट इज -dx dNa, क्या लिख दिया -dx, और यहाँ पे बन गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टी, तो माइनस को यहाँ पे भेज देते तो ऐसे बन गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ln 2n0 -Na, और यहाँ पे बन गया -λT। लिमिट्स देखते हैं, Na की वैल्यू पहले कितनी थी आपके पास में, इनिशियली कुछ गिवन है क्या आपको, एट टी इज इक्वल टू 0 पे जिसके नंबर ऑफ निकले थे वो n0 थे, और फाइनल वैल्यू कुछ टी हाफ पे आपको निकालनी है ना, या फिर इसको कुछ जनरल निकाल लेते हैं एक बार Na। तो वैल्यू पुट करके देखिए, तो ये बन जाएगा ln 2n-Na डिवाइड बाई n0 इज इक्वल टू -λT। यहां से अगर आप सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2n0 -Na इज इक्वल टू n0 e^(-λT। तो Na का एक्सप्रेशन जो आपके पास में आया 2n0 -n0 e^(λT, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है। अब आप देखिए t हाफ पे इसकी वैल्यू कितनी है, अगर आप देखेंगे एट t हाफ, तो अगर हम देखें एट t हाफ पे Na की वैल्यू कितनी है, तो t हाफ की वैल्यू ये 2n0 हो गया -n0 e^(ln 2/λ, ये हो गया ln 2 by λ multiply λ, ये साफ हो गया। टी हाफ को टी को लिख दिया एलन टू बाई लैम्डा, तो यहाँ पे ऐसा बन गया कुछ, ये साफ हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये वैल्यू कितनी दी, Na या अगर 2n0, यहाँ पे -n0, और इसकी वैल्यू बनेगी -half, मतलब वो सॉरी इसकी वैल्यू बनेगी 1/2, ये ऊपर चला जाएगा ना, ये बन जाएगा e^(ln½, तो ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। तो Na की वैल्यू बन जाएगी 3n0/2, मतलब अगर आप टी हाफ पे चेक कर रहे हैं तो Na की वैल्यू ये है। तो आपको Na नहीं पूछा था, आपको dN/dt पूछा, dN/dt कितना हो जाएगा आपके पास में कब, एट टी हाफ, अगर आप देखेंगे टी हाफ पे, तो ये 2λN0 -λN की जगह आ जाएगा 3N0/2, सही। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, दिस इज बिकम 3/2, दिस इज λN0/2, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है। तो आपको यही बोला गया कि इसमें x की वैल्यू, इसको लिखा गया लैम्डा नॉट बाय x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, पूछा जवाब बोला। तो सवाल ठीक था आपके पास में, ये सीरीज डीके का सवाल था, बिल्कुल किसी रेट से फॉर्म हो रहा है, किसी रेट से डीके हो रहा है, तो आपको अच्छा सवाल था, आई होप आप इसको समझ पाए। रेडियस आपके पास में 3.1 × 10⁻¹⁵ मीटर, ये आपके पास में रेडियस है, और ये फर्स्ट हार्मोनिक में, मतलब हम सवाल करें, सवाल में ये है, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन ए न्यूक्लियस ऑफ रेडियस 3.1 × 10⁻¹⁵ मीटर, एज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन वेव इज बी इन फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ गिवन है, जब पार्टिकल बहुत स्पीड से चल रहा है, p²c²m0c²^4 -m0c², ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है। अभी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कुछ 10⁻¹ की इक्विवेलेंट है, x की वैल्यू बतानी है। अब हम क्या करें, देखिए आपके पास अगर आप दैट इज mvr होता है nh/2π, और अगर फर्स्ट हार्मोनिक में घूम रहा था h/2π हो जाएगा, तो यहाँ से mv की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आ गया h/2πr, r की वैल्यू सवाल में गिवन है। अब ये p हो गया, तो p की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, p की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन की जैसा बन जाएगा, दैट इज h²4π²r²c²+m0c²-m0c²। अब आपको इसका एवरेज, मतलब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, और ये वैल्यू निकालनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप h की वैल्यू पुट कर दीजिए 6.67 × 10⁻¹⁴, ऐसे कुछ आता है आपके पास में, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, और r की वैल्यू सवाल में गिवन है, सब पुट कर दीजिए, तो लास्ट में जो रिजल्ट निकालना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आप निकालेंगे तो ये वैल्यू ऐसे 10⁻²² के ऑर्डर की आती है। तो कैलकुलेशन वाला सवाल था, ये स्किप कर देना चाहिए, तभी उसमें कैलकुलेशन अच्छी खासी है, उतना करने में दिक्कत हो सकती है, तो आप स्किप कर सकते हैं इस सवाल को, पर अगर आप निकाल के देखेंगे तो ये कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8th प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, तो 8th प्रॉब्लम ऐसे बोल रहा है, कैसे करंट कैरिंग लूप था आपके पास, इसमें कुछ आई करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है,
तो इसमें टेंशन मैक्सिमम आ सकता है वो कितना सकता है 1.5 न्यूटन। तो आपको बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड हो ताकि ये ब्रेक हो जाए। तो अब आप देखिए हाफ पार्ट को ऐसे आप कट कर लीजिए, हाफ पार्ट का अगर आप एफ पी डी बनाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लग रहा होगा एफ मैग्नेटिक, और यहाँ पे टेंशन बचा रहा है आपको और यहाँ पे टेंशन बचा रहा है। तो अब देखिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आर्क होता है तो आप एंड पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं, तो एफ मैग्नेटिक आएगा आई, ये लेंथ बन जाएगा ये वाला 2R और मल्टीप्लाई बी। क्लियर? तो आप यहाँ पे लिख देंगे दैट इज आई 2RB, ये आ गया आपके पास में टेंशन का ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ टेंशन। अब टेंशन की वैल्यू गिवन है आपको 1.5 हो सकता है, तो इस 2 ने इसको मार दिया। आई की वैल्यू कितनी है सवाल में 10 है, आर की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, 15/100 कर दो, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, और टी की वैल्यू है आपके पास 1.5। तो यहाँ पे ऐसे 15 ने 15 मार दिया, ये सब यहाँ पे साफ हो गया, तो बी की वैल्यू होगी 1 टेस्ला। तो आप बोलेंगे द मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला मैक्सिमम आपके पास में हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 9th की। प्रॉब्लम नंबर 9th में आपको ऐसे बोला गया कि यहाँ पे ऐसे एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे ऐसे कुछ आपके पास साउथ पोल है, और यहाँ पे ऐसे कोइल्स रखी हुई है ना करंट कैरिंग ऐसे, और यहाँ पे ऐसे एक लीवर है, और यहाँ पे इसमें ऐसे कुछ मास को हैंग किया हुआ है। अब इसने बोला कि इसकी जो लेंथ है आपके पास में, ये लेंथ यहाँ पे ये है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और जब कोई करंट नहीं था तो इक्विलिब्रियम पे था, जब इससे कुछ करंट पास करवाया लूप से, इस लूप से कितना 22 मिली एम्पियर, तो यहाँ पे एक वेट पुट करना पड़ता है, वो कितना है 60 मिलीग्राम ना, तो 60 × 10⁶ kg इतना वेट आपको रखेंगे तभी बैलेंस होता है। अब हो क्या रहा है एक्चुअली आपके पास में, तो यहाँ पे एक टोर्क आ रहा होगा इसका, तो वो टोर्क कितना हो रहा होगा, दैट इज NIA × B, ये आता है टोर्क। अब ये टोर्क किससे कंपनसेट हो रहा होगा, यहाँ वाले टोर्क से, दैट इज MG × 30/100। भाई यहाँ का जो टोर्क था वहाँ का टोर्क बैलेंस कर दिया, इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा था जिसकी वजह से कुछ टोर्क आ रहा, दैट इज μ×B, तो मैं लिख दिया। अब म्यू और बी में एंगल 90 डिग्री था, तो एन उनकी वैल्यू है, एन की वैल्यू 200 हमने लिख दी। आई की वैल्यू कितनी है सवाल में 22 मिली एम्पियर, तो यहाँ पर 1000 कर दिया आपने। अच्छा, एरिया की वैल्यू कितनी है, एरिया गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 / 10⁴ आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे बन गया ये आपके पास में दिस इज बिकम 1, 2, तो यहाँ पे साफ हो गया, दैट इज 18 × 10⁵ जी की वैल्यू हमने वहाँ से वो हटा दी, जी की वैल्यू 10 फुट करके ये देख लिया, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब देखिए ये 4 और 1 5 ये यहाँ पे साफ हो गया, ये 2 0 यहाँ पे साफ होगी, तो बी की वैल्यू आपके पास में आ रही है, दैट इज 18 × 22, सही कर रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा सोल्व, एक ये 2 भी रहेगा ना, यहाँ पे 2 भी आएगा आपके पास, यहाँ पे 9 बन जाएगा ऐसे, दिस बिकम 9/22। अब ये किसके बराबर है, ये है b/22 के बराबर, तो यहाँ से अगर आप बी वैल्यू देखेंगे तो 9 आंसर मिल जाएगा आपको। तो आसान था सवाल, आप जो यहाँ का टोर्क है वहाँ का टोर्क दोनों बैलेंस आउट कर दीजिए तो बात बन जाएगी। ठीक है, जो 10th प्रॉब्लम है इसमें बोल रहा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू इज एक्साइटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंटरिंग ए रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे ये आपके पास में ओरिजिन है दिस इज, और यहाँ पे एक लाइन बना दी हमने कितनी, एक्स इज इक्वल टू ए पे। अच्छा, यहाँ पे एक पार्टिकल आया, इसकी वेलोसिटी कुछ वी नॉट वेलोसिटी थी, पार्टिकल वेलोसिटी वी नॉट थी। अब इसको क्यू डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिट करके लाया गया, तो यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, तो वेलोसिटी मिल जाएगी, तो वेलोसिटी आ गया 2 q∆v/m। ठीक है, इतने पोटेंशियल डिफरेंस एक्सिट करके लेके आया था, तो ये सारी एनर्जी q∆v ½ m² में होगी, तो ये वेलोसिटी मिल गई आपको। आपको बोला गया यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे यहाँ पे डेविएट हो जाएगा, यहाँ पे जाके हिट होगा। आपसे पूछ रहा है ये वाली हाइट कितनी होगी, जिस पॉइंट पे हिट करेगा वो उस पॉइंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ वाई की वैल्यू हमें निकालना है। तो मैंने बोला यार ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ट्रीट होगा, तो ये वैसे भी सेम की सेम रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ का एक अलग मोशन होगा, तो उसके लिए आप लिखेंगे एस इज इक्वल टू ut + ½ at²। अच्छा, टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पे अगर आप टाइम देखेंगे तो ये वैसे भी सेम की सेम रहेगी, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है हॉरिजॉन्टल में, ए डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा आपके पास a/b। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो, और ये दिया मैंने वर्टिकल मोशन के लिए, ये सब वाई डायरेक्शन का है आपके पास में, तो ये इनिशियल तो वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी नहीं, और एस वाई निकालना है, वही तो हमें डिस्टेंस में, दैट इज हाफ ए वाई की वैल्यू हो जाएगी q e/m, और टी स्क्वायर को आप यहाँ पुट कर दीजिए, टी स्क्वायर हो गया a/v, तो ये बन गया a² / v² की वैल्यू आएगी 2q∆v, और यहाँ पे ऐसे बन गया। क्लियर?
अब जो इसका जंप पॉइंट है वो देख लेते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है। इस एम ने इस एम को उड़ा दिया, इस क्यू ने इस क्यू को उड़ा दिया, तो यहाँ पे आपके पास में बन रहा है ई ए स्क्वायर डिवाइड बाय ई ए स्क्वायर डिवाइड बाय फोर डेल्टा वी, ई ए स्क्वायर डिवाइड बाय फोर डेल्टा वी। तो अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है एन, इसको एन बोल रहा है तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, फोर आ जाएगी। तो जवाब हो जाएगा इसका फोर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11th की। प्रॉब्लम नंबर 11th में बोला गया ऐसे एक आपके पास में कोई स्क्वायर, कोई भी एक शेप है आपके पास में रेक्टेंगुलर टाइप की, और उसका जो सेंटर है वो x नॉट कोमा जीरो कोमा जीरो पे लाई कर रहा है। उसके वर्टाइसिस है वो गिवन है आपको, a के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, दैट इज x नॉट प्लस d, y कोऑर्डिनेट है माइनस a और ये भी माइनस b, इसका पॉइंट का नाम है a। b पॉइंट का नाम अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा x नॉट माइनस d a और माइनस b, इस पॉइंट का नाम है b। यहाँ पे सी पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये बन जाएगा एक्स नॉट माइनस डी ए और यहाँ पे बी। ठीक है, और आप इस वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे डी पॉइंट को, तो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास बनेंगे एक्स नॉट प्लस डी माइनस ए और बी। आपको इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताना है, तो आप सबसे पहले ये डिस्टेंस निकाल दीजिए, ए बी डिस्टेंस अगर आप निकालें तो क्या लिखेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ बन जाएगा टू डी का स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, यहाँ पे दैट इज प्लस टू ए स्क्वायर और ये तो कट जाएगा। सिमिलरली अगर आप ए डी निकालने जाएंगे तो ये डिस्टेंस कितनी बनेगी आपके पास, दिस माइनस दिस जीरो हो गया, दिस माइनस दिस जीरो हो गया, टू बी का होल स्क्वायर, ये तो बन जाएगा टू बी। अब मैग्नेटिक मूवमेंट होता कितना, एन आई ए, एन आई ए, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो वन ही है, उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। अब हम आई की वैल्यू लिख लेते हैं, आई की वैल्यू कितनी है, दैट इज जीरो पॉइंट जीरो वन, दैट इज वन बाई हंड्रेड। एरिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो आ गया फोर डी स्क्वायर फोर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई टू बी, वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करते हैं क्या आपके पास वन बाय हंड्रेड फोर। डी की वैल्यू क्या है बच्चों, डी की वैल्यू है फोर, तो ये सिक्सटी फोर हो गया टोटल, ये डी की वैल्यू फोर है तो सिक्सटीन और सिक्सटी फोर हो गया। ए की वैल्यू है थ्री, तो नौ थर्टी सिक्स आ गया आपके पास में, और अगर आप टू बी लिख रहे हैं टू बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, तो ये ट्वेंटी हो गया। अब देखते हैं कुछ करके, ये जीरो यहाँ पे उड़ गया और इसको देखेंगे तो टेन बनेगा, तो ये यहाँ पे साफ होगा, इसके लिए कितने की टू, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। क्लियर, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट आई अलोंग द वाई एक्सिस, ये कुछ वाई एक्सिस मान लीजिए ना, यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ वाई एक्सिस है और इसको ऐसे रखा गया, तो ये जो है आपके पास में चलो वाई मानना है, तो फिर इसको ये हमने वाई मान रखा है ना, और ये आपके पास में इस तरफ आ गया, ये आपके पास जेड एक्सिस मान लीजिए और ये कुछ एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए एक स्क्वायर रूप से कोऑर्डिनेट गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट ए वाई जीरो, तो यहाँ से शुरू होगा। अच्छा, आगे अगर आप देखेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट है एक्स की वैल्यू ए जेड की वैल्यू ए, तो ये कुछ यहाँ पे आ गया आपके पास। फिर अगर आप देखेंगे ए ए ए तो एक्स ए वाई ए, तो ये यहाँ पे आ गया, तो ऐसे ऐसे करके कुछ रखा हुआ है, ऐसे आपके पास में एक प्लेन रखा हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा इससे फ्लक्स कितना पास होगा, तो मैंने बोला यहाँ पे जो फील्ड लाइन होगी, इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड लाइन होगी वो कुछ ऐसी होगी आपके पास में, भाई ऐसे फील्ड लाइन बनेगी। तो ये डिस्टेंस आपके पास में ए है और ये डिस्टेंस कुछ एक्स है, तो ये डिस्टेंस आ गया आपके पास में अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये वाला एंगल को थीटा मान लेता हूँ, तो ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल भी कितना थीटा हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे छोटी सी विड्थ पकड़ दीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट में बी अलग अलग आएगा ना, यहाँ से ऐसे डी एक्स विड्थ पकड़ दीजिए, तो अगर आप इससे फ्लक्स लिखेंगे डी फाई, तो क्या लिखेंगे म्यू नॉट आई डिवाइड बाई टू पाई, डी की जगह तो आ गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इस मैग्नेटिक फील्ड कौन सा कंपोनेंट साइन थीटा, मल्टीप्लाई एरिया करेंगे तो विड्थ डी एक्स है, ये विड्थ कितनी आपके पास में डी एक्स है और ये वाली लेंथ कितनी आपके पास में ए, दिस इज बिकम ए डी एक्स। अब साइन थीटा को लिखिए आप इसकी फॉर्म में, तो यहाँ पे बन जाएगा डी फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई टू पाई, साइन थीटा बन जाएगा परपेंडिकुलर, दिस इज एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये पूरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा, क्योंकि इसके नीचे भी रूट वाला ना था, तो ये रूट रूट करके कुछ मतलब सीधी वैल्यू बन जाएगी, ऐसे यहाँ पे ऐसे ए आ गया आपके पास, यहाँ पे ऐसे कुछ डी एक्स आ गया, ये डी फाई है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइनली ए, बिकॉज ये वाली लेंथ टोटल ए है आपके पास। तो यहाँ से अगर आप फ्लक्स को कैलकुलेट करने जाएंगे तो म्यू नॉट बाहर आ गया, आई बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, टू पाई बाहर आ गया,
इसका इंटीग्रेशन है x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स। अब क्या करो, इसको कुछ y मान लो, इसको y माना तो y क्या हो गया, या y मान लो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अगर आप डी वाई करेंगे तो बताएगा टू एक्स डी एक्स। तो एक्स डी एक्स को क्या लिखा जा सकता है, एक्स डी एक्स को डी वाई बाई टू। तो यहाँ पे बन गया फाइव इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई टू पाई, और दिस इज बिकम डी वाई बाय वाई, और यहाँ पे टू बन गया एक्स डी एक्स को दीजिए डी वाई बाई टू, और ये एक्सप्रेशन आपके पास में वाई था। तो अगर आप देखेंगे तो इसका बन जाएगा इंटीग्रेशन, दिस इज म्यू नॉट आई टू पाई ए, और ये टू और टू यहाँ पे फोर बन गया आपके पास, और यहाँ पे बन गया एल एन वाई, और वाई की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा बन गया एक्सप्रेशन। इसकी लिमिट्स लगा दो एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इज इक्वल टू ए तक, तब इसकी वैल्यू थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये बन गया म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई फोर पाई एल एन, ये वाली वैल्यू पुट कर टू ए स्क्वायर, और ये पुट कर दैट इज ए स्क्वायर। तो यहाँ पे कट गया आपके पास, ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है पाई का, म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई फोर पाई एल एन टू, ऐसा कुछ बन रहा है। तो इसका नाम कुछ पी बोला है, इसको कुछ क्यू बोला है, और अगर आप p क्रॉस q करेंगे, p मल्टीप्लाई q करेंगे, दैट विल बिकम 8। तो आंसर हो जाएगा इसका 8। ठीक है, तो हमें बेसिक एलिमेंट पकड़ के इंटीग्रेशन से करना पड़ा, और आप ऐसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, छाप लीजिए। हाँ भाई, हम चलते हैं 13 प्रॉब्लम में। उसमें बोला है चार्ज पार्टिकल q एंटर इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, प्लेन के अंदर है आपके पास। एक्चुअली इन द फिगर इज डिफ्लेक्टेड डिस्टेंस d आफ्टर ट्रेवलिंग ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस a। यहाँ से ये चला ऐसे, ऐसे जाके कुछ यहाँ पे डिस्टेंस कुछ कितनी है आपके पास में, डी है। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऐसे कुछ रेडियस मान लीजिए, ऐसे कुछ रेडियस होगा, अभी सेंटर तो कहीं ना कहीं होगा, ये इसका रेडियस होगा। अब आप देखिए ये डिस्टेंस आपके पास में डी, ऐसा कुछ गिवन है आपको। अब क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस डी। ये डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास, आर माइनस डी, ये वाला एंगल कुछ थीटा मान लीजिए, ये डिस्टेंस हो गया आर माइनस डी। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको सवाल में गिवन ही है, ये कितना है ए। जानना क्या चाहता है ये आपके पास मोमेंटम की वैल्यू जानना चाहता है। तो मोमेंटम तो इस रेडियस के पास है ना, आर होता है एम वी बाई क्यू बी। तो हमने क्या लिखा, मैंने लिखा कोस थीटा, तो आपके पास में आ जाएगा ये सीधा एक पाइथागोरस लगा देता हूँ मैं, दैट इज आर माइनस डी का होल स्क्वायर इस ट्रायंगल के अंदर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर, और ये आ गया आर स्क्वायर। इसने इसको उड़ा दिया, हमें आर की वैल्यू निकालनी थी, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, आर की वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू डी, ये आपके पास में रेडियस आ गया। अब इसे वैल्यू पुट कर लीजिए, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 हो गया, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9 हो गया डिवाइड बाई टू डी, तो कितना आ गया 25 डिवाइड बाई 8। अब ये होगा एम वी बाई क्यू बी की बराबर, रेडियस होता है एम वी बाई क्यू बी, हमें क्यू बी की वैल्यू गिवन है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एम वी कितना हो जाएगा 25 बाई 8, ये होगा 32/100, बिकॉज 0.2 है इसकी वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू आएगी 1, तो एम वी की वैल्यू हो जाएगी 1। तो जवाब क्या हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट 14 प्रॉब्लम पे, और ये सबसे अच्छे सवालों में से एक है। मैंने आपको चीज बताई थी, कभी आपको हवा ना लगे सवाल में तो वो हो सकता है कि आप लूप को बार में एंड में कन्वर्ट करना हो, ये वैसे ही सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ऐसे कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसमें वैसे कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई नोट आई नोट, और ये जो सेप इसकी जो रेडियस है आपके पास में, वो रेडियस गिवन है कि इसकी रेडियस कुछ कैपिटल आर है और इसकी रेडियस कुछ ए है, और सवाल में गिवन है कि आर बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू ए। अब पूछा गया कि ये लूप इस पर कितना फोर्स लगाएगा, नहीं निकाल पाएंगे भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप कैसे करिए इसको, इसको बार मैग्नेट मान लीजिए, इसको बार मैग्नेट मान सकते हैं। तो आपने बोला अब यहाँ पे लूप नहीं है, बार मैग्नेट है, तो आपने बोला ऐसे एक सेमी सर्कल है और यहाँ पे ऐसे बार मैग्नेट रखा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसा है, इसका ऊपर की तरफ नॉर्थ है और नीचे की तरफ साउथ है, बिकॉज करंट का सेंस ऐसा है तो ऐसे ही बनेगा बार मैग्नेट। तो हमने इसको बार मैग्नेट से रिप्लेस कर लिया, ऐसे नॉर्थ साउथ ना, नॉर्थ साउथ, और ये नॉर्थ ऊपर की तरफ है आपके पास, समझ में आ रहा है, ये बार मैग्नेट बना दिया। तो इसको ऐसे दिखना चाहिए आपको, ऊपर नॉर्थ, ऊपर नीचे की तरफ साउथ है आपके पास में, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे साउथ है। ठीक है, अभी बार मैग्नेट बन गया ऐसा। अब देखिए इस वाले बार मैग्नेट के लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना होगा, हम उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं, इसकी वजह से इस पे नहीं निकाल रहे, इसकी वजह से इस पे निकाल रहे हैं, और न्यूटन थर्ड लॉ से वो बराबर ही होगा। तो नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, तो नॉर्थ साउथ इस तरफ है, देखिए तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो कैसे निकालेंगे, तो वो ये इस वाले बार मैग्नेट के लिए ये सब इक्विटोरियल पोजीशन है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर की तरफ आएगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, और हर एक पॉइंट पे सेम आएगा। सोच के देखिए, अगर ऐसे बार मैग्नेट होता है, ऐसे बार मैग्नेट होता है तो इक्विटोरियल पोजीशन पे अंदर की तरफ आएगा, अगर बाहर की तरफ
आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट है तो वो अंदर की तरफ आएगा, उल्टी डायरेक्शन में आता है ना, इक्विटोरियल पोजीशन पे। और यहाँ पे जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी के पी बाय आर क्यूब, के हो जाएगा म्यूट बाय फोर पाई, पी हो जाएगा इसका इस वाली को मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, इट इज आई नॉट पाई ए स्क्वायर के पी डिवाइड बाय आर क्यूब, तो आर की वैल्यू रेडियस आर क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात। तो हमने क्या किया, इसको पहले बार मैग्नेट में कन्वर्ट कर लिया, फिर मुझे पता है कि बार मैग्नेट वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है दैट इज के पी बाय आर क्यूब इक्विटोरियल पोजीशन पे। अब आप देखिए हर एक पॉइंट पे जो बी है वो सेम है आपके पास में, और हर एक पॉइंट पे बी सेम है तो अब आप इसको एक लाइन चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं। मान जैसे एक आर्क रहता है आपके पास में, मैं बोलता हूं कि हर एक पॉइंट पे बी सेम, बिकॉज इसकी तो हमें तो ये वाला बी चाहिए ना, और ये हर एक पॉइंट पे सेम है आपके पास, यहाँ पे भी अलग होगा पर हमें तो फोर्स इस वाले कोरस्पॉन्डिंग देखना है। तो अगर आपको देखना इसके पेरिफेरी के हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो आप बोलो फोर्स निकाले, तो आपके पास इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन कर लो, एंड पॉइंट ज्वाइन करो तो डायरेक्टली काम हो जाएगा। तो फोर्स कितना आएगा आई, एल की जगह आ जाएगा टू आर, ये आर्क नहीं लिया ये स्ट्रेट वायर लिया। आप याद कीजिए ऐसे कोई आर्बिट्री शेप होती है मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स के लिए आप उसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर बी यूनिफॉर्म है। तो इसकी पेरिफेरी पे बी यूनिफॉर्म है, आई एल और बी की वैल्यू आप पुट करें म्यू नॉट पाई फोर पाई आई नॉट पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है। अब देखते हैं क्या क्या उड़ रहा है, ये यहाँ पे साफ हो गया आपके पास, अच्छा ये आर यहाँ पे उड़ जाएगा तो आर स्क्वायर बनेगा कुछ, तो एक्सप्रेशन कुछ यहाँ पे निकाल के ले आते हैं। तो ये तो एक तो बन गया आई नॉट स्क्वायर, वहां पे बन गया म्यू नॉट, आई नॉट स्क्वायर हो गया, म्यू नॉट हो गया डिवाइड बाय टू हो गया, इसने इसको उड़ा दिया और यहाँ पे बन गया ए स्क्वायर और नीचे बन गया आर स्क्वायर। चेक करिए कुछ दिक्कत तो नहीं है, म्यू नॉट आई नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाय टू आर स्क्वायर। अच्छा अब इसकी वैल्यू पुट कर देते, आई नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, आई नॉट स्क्वायर आएगा 140 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई म्यू नॉट, ये वैल्यू तो आ गई आई नॉट स्क्वायर की, यहाँ पे एक म्यू नॉट है ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू 0.1 दैट इज 1/10 और 1/10, ये आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू। आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो लिखना नहीं है, यहाँ पे ये 2 आ गया। अब इस म्यू नॉट ने इस म्यू नॉट को उड़ा दिया, यहाँ पे ये 20 इन 20 से साफ होगी, यहाँ पे ऐसे कुछ 2 आ गया तो आंसर आ जाएगा 8, तो 8 इसका जवाब हो गया। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, या फिर नोट्स में जाना चाहिए ये सवाल, आप नोट्स में इसको लिख सकते हैं। तो जब भी कभी ऐसे देखिए आपको फोर्स केयर फोर्स निकालने बहुत दिक्कत हो तो आप देख लीजिए कई बार बार मैग्नेट में कन्वर्ट करके बात बन सकती है ठीक है। बच्चों अभी हम 15th प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, सवाल में है द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर इज 20 आवर्स, हाफ लाइफ जो आपके पास में है वो 20 घंटे की हाफ लाइफ है। आपसे बोला गया इट इज फाउंड दैट द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी original activity remain after 40 hours. तो initially n नॉट थे, एक टी हाफ में कितना जगह n नॉट बाई 2, तो इसमें 20 आवर्स लगे। फिर अगर आप नेक्स्ट टी हाफ देखेंगे तो उसमें कितना जगह n नॉट बाई 4, तो कितना बचा, इतना बच गया। तो एक्टिविटी पहले क्या थी, पहले थी लेमडा n नॉट, फाइनली कितनी बन गई लेमडा n नॉट बाई 4, कुछ ऐसा बन गया आपके पास, बात समझ में आ गई। तो अब आप देखिए एक्टिविटी कितने टाइम से कम होगी, इनिशियल थी लैम्डा एन नॉट, अब बन गई लैम्डा एन नॉट बाय 4, किस फैक्टर से कम होगी, 4 से कम होगी, तो जवाब क्या हो जाएगा 4 आपके पास इसका जवाब हो जाएगा। तो बहुत ही आसान और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, ये होना चाहिए था आपके पास, इसका जवाब हो गया। अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं, आपसे क्या बोला गया 16 नंबर प्रॉब्लम में, कुछ ऐसा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग ए मेटल रिंग वेरीज अकॉर्डिंग टू टाइम, फ्लक्स गिवन है आपको दैट इज सी ए टी क्यूब माइनस बी टी स्क्वायर, ये फ्लक्स है आपके पास, ए की वैल्यू गिवन है बी की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू 2 है तो इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 2 टी क्यूब और बी की वैल्यू आपके पास में 6 है 6 टी स्क्वायर, ये फ्लक्स आ गया। रेजिस्टेंस गिवन है आपको 3 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, मैक्सिमम करंट कितना इंड्यूस होगा ये वो जानना चाह रहा है। तो मैं सबसे पहले ईएमएफ निकाला, ईएमएफ कितना आएगा आपके पास, अगर आप ईएमएफ देखें ईएमएफ आता है d∅/dt, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा बनेगा एक्सप्रेशन देखिए, 3 तो बाहर कॉमन आ गया, ये बन गया 6 टी स्क्वायर, यहाँ पर देखें 20 ये आपके पास में ईएमएफ आ गया ठीक है। करंट अगर आप देखेंगे तो करंट कितना आ जाएगा, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6t² - 20। अब ये पूछा है कि करंट मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी आ सकती है, तो यार इसको मैक्सिमम करंट di/dt 0 करके देख लेता हूं कि कब आ रहा है। तो अगर आप di/dt 0 करेंगे तो ये बन जाएगा 20 - 12 = 0, तो t = 1 सेकंड मैक्सिमम आएगा, t = 1 सेकंड पे करंट मैक्सिमम होगा, और t = 1 हम पुट करके देख लेते हैं, तो t = 1 पुट करेंगे आपके पास में तो ये वैल्यू होगी -6 एम्पियर, वो सेंस के लिए है -6 एम्पियर, तो जवाब क्या हो जाएगा 6 एम्पियर आपके पास जवाब हो जाएगा।
ठीक, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम नंबर 17 में क्या बोल रहा है आपके पास में, यहाँ पे से दो लूप बनाए हैं, एक ऐसा छोटा लूप है और एक यहाँ पे ऐसे बड़ा लूप है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ये एंगल देखेंगे, ये डिस्टेंस कुछ x है और ये वाला डिस्टेंस ऐसे कुछ 2x है, और इनके से लाइन ऐसे एक ही लाइन से ज्वाइन कर रहा है, ऐसे यहाँ पे से एक ही लाइन से ज्वाइन कर रहा है इनको, एक ही लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप देखेंगे ये डिस्टेंस कुछ r होगी तो ये 2r हो जाएगी रेडियस, तो सही है भाई। अगर ये x है, ये 2x है, ये सेम एंगल बन रहा है, ये कुछ एंगल है, तो ये r होगा, तो x होगा 2r, ये 2x है तो 2r होगा। अब ये वाला एंगल को थीटा मान लीजिए। अब आपसे मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा गया, इसकी वजह से, इसकी वजह से मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आता क्या, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन लिखा था हमने एक रिंग की वजह से, उसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2r साइन क्यूब थीटा। अब आप देखिए थीटा तो दोनों के लिए सेम है, हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए ना, ये b1 और b2 पूछ रहा है। तो b1 की वैल्यू तो आपके पास में आ गई म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r साइन क्यूब थीटा, और b2 बच्चों आपके पास में आ गया, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r की जगह हो जाएगा 4r साइन क्यूब थीटा, बिकॉज इसकी रेडियस डबल है, दोनों का डिवाइड कर दीजिए b1 बाय b2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, तो आंसर रहेगा आपके पास यहां पे 2। क्लियर, तो ये था आपके स्कोर नंबर 17। अभी चलते हैं 18 नंबर प्रॉब्लम में। 18 नंबर प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि अगर आप देखेंगे तो आपको एक लूप गिवन है, ऐसे यहाँ पे लूप गिवन है और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, कितने एंगल पे, 45 डिग्री के ऊपर, बहुत बढ़िया। अब आपको लूप की रेडियस गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड है कितना, 2 टेस्ला। तो आपसे पूछ रहा है कि करंट वगैरह सब गिवन है तो टोर्क कितना, टोर्क होता कितना, टोर्क होता म्यू क्रॉस बी, तो म्यू को आप क्या लिखेंगे, आई मल्टीप्लाई एरिया, म्यू होगा आई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, ये एक्सप्रेशन तो बनेगा। क्लियर, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 1, पाई को पाई लिख दिया, आर स्क्वायर की वैल्यू बताइए 20/100 मल्टीप्लाई 20/100, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है आपके पास, मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 2। आप सॉल्व कर लीजिए कितना रही है, यहां पे ये उड़ गया आपके पास, तो ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है 8π/100, ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है आपके पास, ये एक्सप्रेशन आ गया। अभी इसकी वैल्यू जो आपके पास में आती है, या थी 0.25, ऐसा एक्सप्रेशन आता है, 8π/4 को अगर आप सोल्व करें तो 8π/100 आता है 0.25। अब आपको बोला गया किसके बराबर है, x/4 के बराबर है, तो x किसके बराबर हो जाएगा 1, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, आंसर 1 इसका जवाब हो जाएगा। क्लियर बच्चों, अभी हम मैथ्स का कॉलम में हैं और ये प्रॉब्लम नंबर 19 है हमारे पास। इसमें क्या बोला गया, फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दिखाया गया है, कोई की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस गिवन है आपको, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम गिवन है। अब आप सबसे पहला पूछा गया था इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, अगर आप ईएमएफ इंड्यूस की बात करेंगे तो d phi by dt, तो ये स्लोप होगा, d phi by dt स्लोप और वो कांस्टेंट है, इसके लिए कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 वोल्ट आपके पास में, तो ईएमएफ तो आ जाएगा आपके पास में 2, मतलब ए का एस मैच कर गया, ए का आपके पास एस मैच कर गया, ये तो फर्स्ट था, इसको ए नाम दिया, सॉरी। बी को अगर आप देखेंगे तो बोला गया इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, तो अगर आप आई देखेंगे तो वो कितना का, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए जो कितनी है 2 ओम, तो 2 वोल्ट डिवाइड बाय 2 ओम, तो ये 1 एम्पियर आ गया आपके पास, तो बी का आपके पास में क्यू मैच कर जाएगा, बी का क्यू मैच कर जाएगा। फिर आप चलिए सी वाले पार्ट के ऊपर, चार्ज फ्लो, तो चार्ज फ्लो कितना आएगा आपके पास, ईएमएफ डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू आई, इसको आप क्या लिखेंगे, दिस बिकम डी फाई बाय डी टी आर, और ये आई हो गया, तो आप यहां पे अगर इस डी टी को आप इधर लेके चले जाएंगे तो ये बन जाएगा, देखिए ऐसा बन जाएगा, डी फाई डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू आई डी टी, तो ये तो बन गया चार्ज, तो ये चार्ज किसके बराबर होगा, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, और चेंज इन फ्लक्स देखिए पहले 0 था फ्लक्स, फिर 4 हो गया, तो चेंज इन फ्लक्स कितना आया बच्चों आपके पास, 4 आ गया, 4 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, 2 कूलम चार्ज यहां पे फ्लो करेगा आपके पास, सही है। तो आपके पास में क्या जवाब रहेगा इसका, 2, तो सी का आपके पास में एस हो जाएगा, सी का ऑप्शन एस मैच कर रहा है। फिर अपने चलते हैं डी वाले के ऊपर, तो डी में क्या बोल रहा है, हीट जनरेटेड, तो हीट जनरेटेड कैसे निकालेंगे, हीट जनरेटेड होता है आपके पास में आई स्क्वायर आर टी, ये होता है हीट,
आई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो आई की वैल्यू 1 थी, तो आपने कह रहा 1, आर की वैल्यू 2, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी 2 और टैन की वैल्यू कितनी 2, तो यहाँ पे कितना है 4 जूल आएगा आपके पास, तो पी मैच कर देगा, डी का आपके पास में पी मैच करेगा। समझ में आ गई ये बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास में कॉम्प्रिहेंशन था। अब आइए अपने दूसरे मैजा कॉलम था, अब आइए अपने दूसरे मैजा कॉलम में चलते हैं। उसमें क्या बोला गया, यहाँ पे ऐसे करंट कैरिंग वायर है, ठीक है जी, और यहाँ पे ऐसे एक लूप रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है कि अगर इसमें करंट को बढ़ाया जाए, ए ऑप्शन में अगर आप देख रहे हैं, अगर आप करंट को बढ़ाएंगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ, करंट को बढ़ाएंगे तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, आप इसको अपोज करेंगे थंब बाहर की तरफ तो ऐसा करंट आएगा इसमें, तो ये कैसा सेंस हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो आई आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा आपके पास, तो इंड्यूस करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आप देखिए वायर अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, ये वाली चीज हमें चेक करनी है। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि वायर अट्रैक्ट करे रिपेल करे, तो एक तरीका तो ये हो सकता है, देखिए अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है अंदर की तरफ, तो ये दूर भागने की कोशिश करेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड घटे, बिकॉज पास आएगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ना, तो मतलब ये कोशिश करेगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ना हो, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो दूर भागेगा तो उससे ये उसका बचाव हो सकता है, रिपेल करेगा। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था तो करंट कैसा आया, कुछ ऐसा आएगा, करंट ऐसा आएगा तो आप देखिए मैग्नेटिक ये आपके पास में ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, समझ में आ रही है मेरी बात। अंदर की तरफ आपके पास से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था तो आप उसको अपोज करने के लिए अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो आपका करंट ऐसा कुछ बनेगा आपके पास में। तो अगर ऐसा करंट आपके पास में बन रहा है, तो अब आप देखिए इस पर फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा इससे, तो इस वजह से आप देख सकते हैं तो रिपेल करेगा, इसमें रिपेल और अट्रैक्शन अच्छा है। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक जाना चाहते हैं, सबसे पहले आप लूप में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देखिए, फिर आप इस वाली वायर पे फोर्स देख लीजिए, बिकॉज ये वाली वायर पास है तो इस पे फोर्स ज्यादा होगा, इस पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स, अगर आप इस वाली वायर इस पे इधर है, इस पे इधर है, पर इसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा ना, तो इस वाली वायर पे जो डायरेक्शन फोर्स लग रहा होगा वहीं से बात बन जाएगी। तो रिपेल भी कर रहा है आपके पास में, तो क्या बोलेंगे, ए का क्यू एंड एस मैच कर गया, क्यू एंड एस। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन बी में जाएंगे तो बोला है द करंट इज डिक्रीज्ड, अगर करंट डिक्रीज हुआ जस्ट उल्टा हो जाएगा पहले वाले का, तो करंट आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा आपके पास में। तो बी का आपके पास ये पहले एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, तो क्लॉकवाइज पी है आपके पास में और अब क्या अट्रैक्ट करेगा तो आर हो जाएगा, पी और आर। सिमिलरली आप सी ऑप्शन में गए, इफ लूप इज मूव अवे फ्रॉम द वायर, अगर आप इसको दूर लेके जाएंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, अगर आप दूर लेके जाएंगे जैसे मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर है, इससे आप इस लूप को दूर लेके भाग रहे हैं, तो इसमें जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी, फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब कौन से वाले केस से मैच करेगा, इस वाले केस से मैच करेगा, तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा, पी आर। फिर अगर आप डी ऑप्शन में जाएंगे, इसको पास लेके आएंगे तो पास के फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स इसमें बढ़ रहा था इसमें भी आपके पास सेम रिजल्ट आएगा, तो क्या आ जाएगा फ्लक्स में, क्यू एस। तो ये आपके पास जवाब हो गया, ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये पेपर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।